तेज तूफान आ रहा है बाहर का, लोहे का गेट ही टूट जाएगा क्या? ये देखो अपने आप हिल रहा है, अपने पूरे बॉय। बहुत ज्यादा तेज तूफान आ रहा है, ऐसा लग रहा था गेट ही टूट जाएंगे। बहुत तेज तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा तेज। सोच रहा था कि गेट खोल के बाहर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, मतलब ये गेट खोल के बाहर जाने में ना बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं गेट खोल के बाहर जाऊँ कुछ उड़ के और लग जाए तो गेट खोल के बाहर भी नहीं जा सकते हैं। तो सही बताऊँ बहुत तेज़ तूफान आ रहा है यहाँ पे, एकदम डरावना सा। कूलर कहाँ गया? कूलर था, देख लो बिल्कुल इतना टाइट हुआ पड़ा है। देखो ये देखो जा रही है तार, तार ना होती ना सही बता रहा हूँ कूलर ही उड़ जाता भाई। बहुत तेज आंधी हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज। इतना कहाँ से कूलर, कहाँ रखा था और कहाँ आ गया है, और तार की वजह से बच गया, नहीं तो उड़ ही जाता। तो कूलर तो मैंने सेट कर दिया है, नींद कैसे आएगी? बहुत तगड़ा तूफान आ रहा है, धूम धड़ाके हो जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं आराम करता हूँ। डरा ही दिया तूफान ने तो यार, सही में हो गया। कूलर हिल जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं बेवकूफ की तरह तू सो गया हो और पानी भरा ही ना हो और वो कूलर उड़ जाएगा रात को ऊपर से। इतनी तेज आंधी आई थी, यही लग रहा था कि कहीं कूलर ना उड़ गया। तब हिल पूरा घर हिल गया था, घर के सारे दरवाजे हिल गए। रात को मैं सारी है ना खिड़कियां बंद करके आई थी, रात को सारी विंडो बंद की, मेरे इतनी सारी विंडो है घर में, सारी बंद करके। फिर सुबह उठ के तेरे पापा कहते हैं तूने रात को विंडो बंद नहीं की। बहुत तेज था ना वो, हिली सारी विंडो खुली हुई। मैंने कहा तुमने रात को उठ के दोबारा खोल दी होगी। मैंने मुझको अच्छे से याद है मैंने ये गेट खोला है और पक्का फुल कॉन्फिडेंस है। कोई तो भूला है, मैंने कोई तो गड़बड़ हुआ। सारी विंडो कैसे खुल सकती है? मैंने कहा आप नहीं खोली होंगी रात को किलर पानी लगाने से, उसको दोबारा फर्मा लगाना है इसमें। अगर ये बिल्डिंग पूरी घिसकती है, पूरी बिल्डिंग का रोड इसी पे, पूरी पूरा ये नीचे घिसकता है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे चलो ये दोबारा बनाएगा पूरा। हाँ दोबारा फर्मा लगाना। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज दिन की शुरुआत एकदम भागा दौड़ी में, चलिए काम है, कुछ काम करते हैं। घर के लोगों को सामान लेके आना है, जो सामान आप देख रहे थे कि चीज़ें बन रही हैं, टूट रही फूट रही हैं, तो ये सामान लेके आना है। चलते हैं मार्केट में सामान लेके आते हैं। कि दुकानें हमें खुली मिलती है कि नहीं, क्योंकि भी ऐसा हिसाब किताब हो गया ना, कई दुकानें खुली होती हैं, कई दुकानें नहीं खुली होती हैं। ले लिया हमने सामान, सब सामान ले लिया है। ये इससे पिलर बनाने में मदद होगी, पिलर बनाने के लिए इसको रख देते हैं। इसको पीछे लेके बैठ जाए, अलग तरह की चीज़ें इसको पीछे लेके तो बैठ नहीं सकते, आगे ही रखा जाएगा मेरे हिसाब से। तो पीछे लेके बैठेंगे तो दिक्कत, और आगे रखेंगे तो दिक्कत। पूरे शहर में कि सन्नाटा छाया हुआ है, सब एकदम बंद हो गया, सारी दुकानें बंद, सब कुछ आज तो एकदम सब कुछ ही बंद हो रखा आज तो। हम भी क्या कर सकते हैं, हमारा काम ना बीच में फंस गया है, मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ और एकदम से लग गया है। तो काम तो ख़त्म करना ही पड़ेगा ना, इसलिए फटाफट से काम ख़त्म करवा रहे हैं। ये देख रहे हो इस बिल्डिंग को तोड़ के अंदर से ऊंचा कर रखा है पूरे में, क्या क्या लगा रखे हैं देखो, अंदर भी देखो लगा रखे हैं वो जैक लगा रखे हैं पता है। और मुझे बहुत ही ख़तरनाक काम लगता है, पूरी दीवार तोड़ के से उसको ऊँचा कर दिया है। पाइप तो हमें मिल गया है, अब हम चलते हैं घर की तरफ। आई होप बाहर दोबारा ना आना पड़े। सर गलियों में भी चारों ओर एकदम सन्नाटा सा छा गया है, काम हो गया है, पाइप ले आए हैं और बड़ी मुश्किल से लाए हैं पाइप। तो कुछ खाना वाना खाता हूँ, सुबह से भागा दौड़ी चल रही है। अब कुछ खाना वाना खाते बैठते हैं, बैठा ही नहीं सर, सुबह उठती थी तो काम स्टार्ट हो गया था। बोलती थी पहले खाना खिलाऊंगी फिर जाना, खाना ठंडा हो गया और ऊपर से मेरे को नहीं यार, मुझे तो पापा तेरे को भी नहीं छोड़ते और मेरे को भी नहीं छोड़ते हो गया जाके। इसको आदत खराब हो जाएगी, इसको बाहर भेजना पड़ेगा। आदत खराब हो जाएगी, ये सही बात है। तो ये रहा हमारा मस्त मस्त पोहा, खा लेते हैं। तो बनाना शेक बना, पोहा बना, इन्हें फटाफट से खा लेते हैं। मम्मी ने तो खा लिया है तो सारा काम हो गया है, खा लेते हैं और फिर आराम से बैठते हैं, देखते हैं क्या करना है आज। लोग जाते हैं बीमार हो गए तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको देख के ना आदमी थोड़ा आदमी का थोड़ा, मैं भी गया था एक बार, मेरे को नहीं पता अटैक की दिक्कत हुई थी, चोरी था तो हॉस्पिटल में मैं गया था। तो वहाँ पर क्या है कि आज ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, कोई उसको पैसे पंप कर रहा है, कोई तेल लगा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो उसको देख के सामने वाला आदमी जो कमजोर दिल का होता है ना वैसे वो अटैक से बढ़ जाता है, और ऐसे बीमार भी हो जाते, देख देख के बीमार होते हैं। बीमारी है ना तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को हम खुद ठीक कर लें यहाँ पर।
छोटी मोटी दिक्कत है तो अपने आपको घर में ठीक कर लेना चाहिए। बड़े बड़े लोगों से ने वो लिए थे रोहित राणा ने। अरे राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से मिला हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी उसके लिए शोक जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबने उसके। आपका क्या कहना रोहित सरदाना इसके रोहित सरदाना के बारे में? अच्छे आदमी के बारे में जो भी अच्छा इंसान है जो अच्छा देश के लिए काम करता है सब उसकी तारीफ करते हैं। उसमें क्या जल्दी मर गया इसके कोरोना से मर गया ना? कोरोना से नहीं मरा, हार्ट अटैक से मरा। मरा हार्ट अटैक से। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी पर हार्ट अटैक आया था इसलिए मरा है। तो यहाँ पे मौसम एकदम फिर से ना तेज हवा चलने के, मुझे लग रहा है सीजन यही है, एक महीना तो ऐसा ही रहेगा। वो तेज तेज हवा चलती रहेंगी, तूफान आते रहेंगे एकदम मस्त। नीचे बाहर खेलने के लिए मैं पोहा था, पोहा पड़ा था, मैं दोबारा पोहा खा लिया, रूह अफ़ज़ा पी लिया। ठंड गर्मी आ गई है तो रूह अफ़ज़ा तो देखो पीऊँगा ही, पर देखते क्या करना है। वैसे मैं मनी हाइस्ट देख रहा था, मैंने मनी हाइस्ट नहीं देखा था, मैंने देखा हिंदी में डब्ड हो गया, मैं देख लेता हूँ। तो अभी मनी हाइस्ट देख रहा था। आप में से किस किसने मनी हाइस्ट देखा हुआ है मुझे बताना कमेंट करके। दूर सब लोग चले गए काम करके, उनका काम खत्म हो गया है। इनकी सही बता, पुलिस आई थी आंटियों को भगा दिया। हैं तू भी आंटियों के साथ बैठी हुई थी? तो आंटियों के साथ क्यों बैठती है? मास्क भी नहीं पहन रखा ऊपर आंटियों ने। तो पुलिस वाले देखो मेन मार्केट में तो कोई नहीं बाहर निकलता, बट गलियों में क्या होता है लोग बातें मार रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं ना। मार्केट में है तो लोग गलियों में बैठे हुए हैं, गलियों में से बैठे हुए हैं आजकल बातें कर रहे। तो पुलिस आ गई, सब घर में भाग लिए, सब भाग गए। टीचर बच्चा चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम सब्जी सब्जी खेल रहे हैं। बाकी वो